आज हम बनाने वाले हैं अदरक पाक। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम अदरक, 200 ग्राम घी, 200 ग्राम गेहूं का आटा, 350 ग्राम गुड़, 70 ग्राम सिला हुआ सूखा खोपरा, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम अखरोट, 50 ग्राम खसखस। ये ड्राई फ्रूट को मिक्सर में डाल के पीस लेंगे। 8 खजूर। खजूर डालना जरूरी नहीं है, आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। सबसे पहले हम अदरक लेते हैं, उसे अच्छे से धो के छील देंगे, फिर वापस धो देंगे। उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सर में डाल के पीस देंगे और उसकी पेस्ट बना देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेते हैं, गैस की आंच को धीमी रखना है। उसमें हम एक बड़ी चम्मच घी डालते हैं और अदरक की पेस्ट डालते हैं। अदरक को भूनना है जब तक उसमें से खुशबू ना आए। अब अदरक भून के तैयार है, उसे दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं। अब हम 3 बड़ी चम्मच घी लेते हैं, उसमें गेहूं का आटा भुनेंगे। आटे को हल्का गुलाबी होने तक भुने। अदरक पाक में हमें कुल 200 ग्राम घी का इस्तेमाल करना है, पर हमें थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करना है। आटा हल्का गुलाबी हो गया है, अब इसमें वापस 1 चम्मच घी डालते हैं और उसे भी मिला लेते हैं। अब इसमें हम भुना हुआ अदरक डालेंगे और उसे अच्छे से मिला लेते हैं। अदरक मिला लेने के बाद उसमें हम पिसा हुआ ड्राई फ्रूट डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद 350 ग्राम गुड़ डालते हैं। गुड़ पूरी तरह से पिघल जाए तब तक चम्मच चलाते रहना है। 350 ग्राम गुड़ से अदरक पाक न ज़्यादा मीठा बनेगा न ज़्यादा तीखा बनेगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा करना है तो आप गुड़ ज़्यादा ले, और अगर तीखा रखना है तो थोड़ा कम कर दे। अब बचा हुआ घी उसमें डाल के मिला लेते हैं। हमने गंठोला पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, आप डालना चाहते हैं तो 2 छोटी चम्मच डाल सकते हैं। अब उसमें खजूर के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देते हैं। गुड़ पूरी तरह से पिघल जाए उसके बाद उसे थाली में निकाल देंगे और उसे जमा देंगे। आधे घंटे बाद उसमें कट लगा देंगे ताकि आलू पाक के टुकड़े आसानी से निकल जाए। सजावट के लिए ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और उसे हल्का दबा देंगे। अदरक पाक को 6 घंटे सेट होने देंगे, फिर उसके टुकड़े निकाल के डब्बे में भर सकते हैं। ये हो गया अदरक पाक तैयार, उसे आप 15 दिन तक रख के खा सकते हैं। हमारी रेसिपीज को हिंदी और इंग्लिश में पढ़ने के लिए iftarrecipes.com पर जाएं।